और लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रवास का दूसरा दिन है। आज से शुरू होगा संघ प्रमुख की बैठकों का सिलसिला। अवध प्रांत की कार्यकारिणी की बैठक होगी, सात विभागों की कार्यकारिणी की भी बैठक होगी। बैठक में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल होंगे। राममय माहौल बनाने की तैयारी में संघ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से राममय बनाएगा माहौल। और अब देश भर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शताब्दी वर्ष 2025 तक हर गांव में संघ की मौजूदगी होगी। राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता को धार देगा आरएसएस। और आज संघ संचालक मोहन भागवत की बैठक होने वाली है निराला नगर में। अवध प्रांत के सात विभागों के कार्यकारिणी सीएम ने भागवत से मुलाकात भी की थी। कई विषयों पर चर्चा हुई। आरएसएस बीजेपी और सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। घनश्याम, सरसंघ चालक मोहन भागवत का आज दूसरा दिन है दौरे का, कई बैठकें भी होंगी, इन बैठकों का मुख्य एजेंडा क्या? देखिए वर्षा, चार दिवसीय यूपी दौरे के, खासतौर पर राजधानी लखनऊ के दौरे पे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, और आज उनका दूसरा दिन है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले थे, हालांकि ये दौरा उनका रूटीन बताया जा रहा है, लेकिन जो कल मुलाकात रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, वो पूरी तरीके से अचानक देखा गया कि उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन उसमें मुलाकात में बताया जा रहा है कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई, जिसमें सबसे अहम था राम मंदिर मुद्दा। राम मंदिर मुद्दे पे जिस तरीके से लगातार काकस बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे उसके पीछे राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन आरएसएस संघ कर रही है, वो उसको लेकर के जो राम मंदिर है उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में और खास तौर पे पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम करके पूरे देश भर में एक मैसेज कन्वे करने की, यानी राममय बनाने की पूरी कवायद चल रही है। इसमें जो सरकार है, संगठन है और जो कार्यकर्ता है, उसको किस तरीके से क्या काम दिया जाएगा, उसमें आरएसएस कि क्या कुछ भूमिका रहेगी, किस तरीके से पूरे प्रदेश में राममय किया जाएगा, उसको लेकर के बातचीत होने की संभावना जताई जा रही थी। इसके अलावा ये भी बातचीत होने की संभावना जताई जा रही थी कि जो महिलाओं को लेकर के जो केंद्रीय स्तर पे जो बिल लाया गया है, उसको लेकर के किस तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया जाए, किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी के लिए माहौल बनाया जाए, उनको अपने पाले में लाने के लिए क्या कुछ कार्यक्रम किए जाए, इस बाबत भी इन लोगों की बैठक हुई है। आज जो है प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक, प्रांतीय प्रचारक की बैठक आज होनी है, जिसमें से सात प्रांत के लोग मौजूद रहेंगे, मोहन भागवत सबको सुनेंगे और अपनी जीत का मंत्र देंगे। चूंकि 2024 के पहले ये रूटीन भले ही बैठक है, लेकिन काफी बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले मोहन भागवत का अंतिम दौरा बताया जा रहा है, और इस बैठक में ये सब कुछ तय कर लिया जाएगा कि राम मंदिर मुद्दे को किस तरीके से भुनाना है, किस तरीके से चुनावी मैदान में राम मंदिर मुद्दे को लेकर के जाना है, महिलाओं को मुद्दे को किस तरीके से अपने पक्ष में लेकर के आना है, सरकार और संगठन में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको कैसे बढ़ाना है। आरएसएस भी ये चाहता है कि महिलाओं की जो भागीदारी हो उसके संगठन में भी हो, आरएसएस में भी हो। इसके लिए जो है दुर्गा वाहिनी का निर्माण हुआ था, और दुर्गा वाहिनी आज भी संगठन आरएसएस के लिए काम करता है, उसके जरिए आरएसएस से अधिक अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने की कवायद की जाएगी, इसको लेकर के भी बैठक होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राम मंदिर राममय बनाने की बात की जा रही है, 2025 तक यानी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद तक जो है, जो शताब्दी वर्ष होगा, वह तब तक हर गांव-गांव तक आरएसएस के संगठन को ला करके खड़ा करने की कवायद की जाएगी। इसके अलावा जो राम मंदिर राममय है, यानी पूरे प्रदेश भर में हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में, हर नगर में, हर गली मोहल्ले तक जो है राममय यानी कोई भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इसको लेकर के सरकार किस तरीके से काम करेगा, सरकार की भूमिका क्या होगी। जी, राममय माहौल बनाने की यहाँ पर कोशिश है आरएसएस की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेंगे आरएसएस के कार्यकर्ता, इसको लेकर कोई रोड मैप तैयार किया गया है? बिल्कुल निश्चित तौर पे वर्षा, इसी को लेकर के बैठक आज होनी है कि आरएसएस संघ प्रमुख इस समय वही मंत्र देंगे कि किस तरीके से लोगों के बीच में जाना है, संगठन उनका किस स्तर पे अभी तक है, और संगठन किस तरीके से किन किन एजेंडा मुद्दा और को लेकर के अपना
विस्तार करेगा और कैसे उनको जोड़ा जाएगा। उनका ये मकसद है 2025 तक हर प्रत्येक गांव में उसका संगठन खड़ा हो, प्रत्येक गांव में आरएसएस संघ से जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो गैर हिंदू हिंदू समाज के गांव हो चाहे हिंदू समाज का गांव है। उसका एजेंडा साफ तौर पे है कि आरएसएस से जुड़े हुए लोग कितने लोग हैं और किस स्तर पे हैं। तो अंतिम व्यक्ति तक जाने की कवायद इनकी लगातार जारी है और 2025 तक इनको पूरा करना है और यही इसी को लेकर के बैठक की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें सरकार और संगठन के बीच की समन्वयता को लेकर के आरएसएस संघ की जो भूमिका है वो हमेशा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी किया है कल मोहन भागवत से और मोहन भागवत इस बाबत भी लोगों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है क्या उनके मापदंड पे खरा उतर रही है कि नहीं उतर रही है, क्या उनके जो मापदंड है उसमें जो आम जनता की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, जो उनके मापदंड है क्या उस मापदंड में आरएसएस की जो विचारधारा है राष्ट्रवाद की विचारधारा है उसको धार दिया जा पा रहा है कि नहीं दिया जा पा रहा है, अगर नहीं दिया जा पा रहा है तो कहां पे कमी है, कैसे उसको उधार दिया जा सकेगा, अगर कैसे राष्ट्रवाद की मुद्दा को लेकर के लोगों के जहन में आरएसएस को बैठाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को बैठाया जाएगा ताकि आगामी जो 2024 लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी या चाहे खासतौर पर आरएसएस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो ऐसे में ये बैठक जो बैठक वो काफी वाली है, इसमें किन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा होती है, राममय माहौल बनाने की तैयारी है, इसको लेकर आगे और क्या कुछ कदम आरएसएस की तरफ से उठाए जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।